नमस्कार दोस्तों, इस तरह के मेन बोर्ड के सीट जो हमारे आते हैं, जब इसमें हम फिटिंग कर देते हैं अपना सारा स्विच सॉकेट होल्डर अपना एमसीबी सब कुछ सेटिंग करने के बाद एक चीज़ हमको ध्यान आता है कि भाई इसमें हमने इंडिकेटर तो लगाया ही नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पे इंडिकेटर हमको लगाना है, तो अगर इसमें से कोई भी जगह हटा के इंडिकेटर हम लगा देते हैं तो फिर स्विच वाला काम हमारा ख़राब हो जाएगा। चूँकि यहाँ दो सॉकेट एक होल्डर है तो सभी के लिए एक एक स्विच यहाँ ज़रूरी है, तो तीन स्विच का यहाँ कंपनी मतलब जहाँ से भी सीट आता है कट के वहाँ से आ गया। अब इसमें अगर इंडिकेटर का एक आपको चाहिए सॉकेट, तो फिर यहाँ पूरा इसको काटना पड़ेगा। मतलब काटने का प्रोसेस भाई ज़्यादा होता है, आपको एक पीस यहाँ काटना एक स्विच का साइज लगाने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक इंडिकेटर भी आपको लगाना पड़ेगा, उसका खर्चा अलग से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, अगर इस तरह का आप मेन बोर्ड बनाते हैं या आपके घर में लगा हुआ है तो इसमें कैसे इंडिकेटर मात्र 5 रुपये में, वो भी बिना किसी मशक्क़त के बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। क्योंकि इंडिकेटर इसलिए ज़रूरी है कि आपका मान लीजिए मेन बोर्ड ऑन है लेकिन ये किसी बल्ब को आप इसमें लगाए हैं उसको ऑन नहीं रखना चाहते हैं, यानी आपका बिजली का बिल गिरेगा, ठीक है, तो ऑन नहीं करना चाहते, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि आपके इस बोर्ड में बिजली है, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप बड़े आराम से ऐसे बोर्ड में आप इंडिकेटर लगा सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में, यानी मुश्किल से 5 रुपये के खर्चे में आप इस इंडिकेटर लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई हम मतलब कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, कोई चीज़ हटाएंगे नहीं, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ देखिए जो हमारा एमसीबी लगा हुआ है इसका डिब्बा यहाँ से खोल लेना है। तो यहाँ इसका बॉक्स इस तरह से यहाँ पर आपको खोल लेना है, ठीक है। बॉक्स खोल के इसको आप अभी साइड में रख दीजिए। एक चीज़ यहाँ बता दें, जब भी आप वायरिंग करते हैं इस तरह के आपका एमसीबी में, तो आपको पता है कि जो हमने ये मेन लाइन मेन सप्लाई दिया है, मेन सप्लाई हमारा नीचे लगता है और आउट होता है हमारा ऊपर से। अगर आपको नहीं पता था भाई जान लीजिए, पता था बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ आप एमसीबी में देखेंगे, इधर से तीर देखिए उस साइड में आपको बना हुआ नज़र आएगा। देखिए यहाँ से तीर आपका इस साइड से इस साइड में जा रहा है, यानी आपको नीचे सप्लाई देना है मेन और यहाँ से आउट होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको साइड कर देते हैं, आपको ले लेना है ये बॉक्स फिर वापस यहाँ पे, ठीक है। अब आपको बॉक्स लेके क्या करना है, यहाँ चूँकि गैप ज़्यादा होता है, जगह पूरा होता है वहाँ लगाने के बाद, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, तो आप यहीं पे कहीं पे आप एक होल मार दीजिए। जैसे यहाँ इसको हम कंपनी वाला ये सिंपल भी नहीं मिटाएंगे, तो क्या करते हैं इसके ऊपर एक यहाँ पर होल मार देते हैं इस तरह से, ठीक है। देखिए होल मार देंगे, इतना चौड़ा नहीं मार देंगे कि फिर ये हमारा भाई किसी काम का ना हो। इतना चौड़ा हमने होल मार दिया। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसका जो ऊपर का प्लास्टिक है जो थोड़ा सा उभरा हुआ था, इसको चिमटे या पेचकस की मदद से इस तरह से हटा देंगे। अगर ऐसे नहीं हटता है तो ब्लेड से भी हम इसको हटा सकते हैं। तो ऐसे नहीं हट रहा है, इसको हम ब्लेड से हटा देते हैं। देखिए ब्लेड से हमारा हट गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ एक ले लेना है 5 mm का LED। आप ये रेड कलर ग्रीन कलर किसी भी कलर का ले सकते हैं, ठीक है। लेके अब आपको देखना है कि LED हमारा इसमें आराम से लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा आप चिमटी लेके और इसका होल को थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए, कि बहुत ज़्यादा नहीं चौड़ा करना है कि इसका LED आपका आपस में इस तरह से ढूक जाए फिर गिर जाए, ठीक है। थोड़ा सा करना है जिससे LED आपका टाइट बैठे, ठीक है। देखिए इस तरह से ये टाइट बैठे। अब ये इतना कर लेने के बाद, देखिए टाइट रहना चाहिए। अब आपको ले लेना है एक रजिस्टर, रजिस्टर का वैल्यू होगा आपका 100 kΩ, ठीक है। ये आपको 100 kΩ का रजिस्टर ले लेना है। और अभी आप AC में इसको लगाएंगे तो यहाँ पे ये नहीं देखना है कि हम इस लेग में लगा रहे हैं या इस लेग में लगा रहे हैं, चूँकि AC से जब हम इसको जलाएँगे तो यहाँ प्लस माइनस देखने की हमको ज़रूरत नहीं है। किसी भी एक लेग में आप इस रजिस्टर को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ मैं रजिस्टर यहाँ न जोड़ के सबसे पहले इस LED का जो लेग है इसको छोटा छोटा कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से दोनों लेग को छोटा छोटा कट कर देता हूँ, ठीक। कट कर देने के बाद इसका लेग को थोड़ा सा ऐसे हम फैला देंगे, देखिए इस तरह से दोनों साइड में हम फैला देंगे। और फैला के यहाँ पर दो वायर हम छोटा छोटा
जोड़ लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पॉइंट पे एक एक वायर को जोड़ लिया और इस पर छोटा छोटा स्लिप डाल दिए हैं, जिसे इस पर चढ़ा देंगे तो यहाँ शॉर्टिंग होने का भी कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ एक स्लिप डाल के हम इस पर चढ़ा देंगे। अब इसके किसी भी एक वायर में इस 100 किलो ओम का अपना जो रजिस्टर है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन इसे लगाने से पहले एक छोटा सा स्लिप इसमें और डाल लेते हैं, जिससे रजिस्टर के ऊपर भी हम स्लिप को चढ़ा देंगे तो हमारा जो शॉर्ट होने का डर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको लगाना ज़रूरी है, नहीं तो कहीं भी थोड़ा सा वायर गर्म होगा तो आपका शॉर्टिंग हो सकता है। देखिए, इस तरह से हमने लगा लिया। अब इसका जो लेग है, इसका एक साइड का लेग हम पूरा छोटा कर देते हैं। ठीक है, पूरा छोटा करके और अपने वायर के साथ इसे सोल्डरिंग कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमें सोल्डिंग कर लेना है। सोल्डिंग कर लेने के बाद यहाँ पे स्लिप को हम यहाँ पे इस तरह से चढ़ा देंगे। ठीक है, स्लिप पे चढ़ाने के बाद अब जो हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड को हम यहाँ पे फिर रख लेते हैं। ठीक, अब हमें कहाँ जोड़ना है, देखिए एक वायर हमें यहाँ पे ये हमारा एक वायर यहाँ जोड़ना और एक वायर यहाँ, चूँकि हमारा यहीं से आउट हो रहा है। जब हम एम सी बी को ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ से जो ए सी है वो आउट होता है, तो दोनों पॉइंट को मैं थोड़ा थोड़ा ढीला कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह ढीला कर लेने के बाद जो हमारा रजिस्टर है इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे। ठीक, मोड़ के इसे किसी भी एक पॉइंट में यहाँ डाल के और हम इसको अच्छी तरह से हम टाइट कर देते हैं। यह हो गया। अब जो दूसरा हमारा वायर केबल है, इस वायर को भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, वायर को डाल के और फिर इसको भी हम टाइट कर देंगे। अब दोस्तों दोनों वायर हमने टाइट कर दिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये बचा हुआ है एलईडी। एलईडी को हमें कैसे फिक्स करना है, यहाँ पे देखिए हमने जो होल किया था इसमें, इस होल में ही हमें इसको फिट कर देना है। अगर आपका वायर थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना छोटा रखेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितना बड़ा करेंगे उसमें आपको यहाँ रखने में समस्या हो सकता है। तो देखिए हमने यहाँ थोड़ा, चूँकि हमारा वायर भी छोटा ही है, लेकिन हम इसमें सेटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ एलईडी देखिए हमारा बाहर निकल चुका है। ठीक है, बाहर निकल गया। इसके बाद वायर को आप थोड़ा सा यहाँ देख के और अच्छे से फिर इसको हम टाइट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने देखिए इसको टाइट लगभग कर दिया। ठीक है, टाइट कर लेने के बाद अब आइए हम इसको टेस्टिंग करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए मैं टाइट कर दिया। अब इसका जो दो वायर है ये हमारा इसमें एल और एन, इस पर हम 220 वोल्ट एसी अपना दे देते हैं। तो यहाँ हमने एसी कनेक्ट कर दिया, लेकिन अभी हमारा इंडिकेटर नहीं जला। क्यों? क्योंकि हमने ऑफ करके रखा हुआ है अपने बोर्ड को। ठीक है, इसको हम ऑन करते हैं। एक ऑन हुआ नहीं जला, और दूसरा ऑन किया फिर भी नहीं जला। दोस्तों यहाँ हमारा सप्लाई थोड़ा ढीला हो सकता है। ठीक है, पहले हमारा देखिए सप्लाई यहाँ पर सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है, दूसरे सॉकेट में मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो अभी हमारा सही से कनेक्ट हो गया है। जैसे ही हमारा ऑफ हो जाएगा वैसे हमारा इंडिकेटर बुझ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ऑन होगा वैसे हमारा इंडिकेटर यहाँ जलने लगेगा। अब हम बल्ब नहीं जलाएंगे तो भी हमारा इंडिकेटर हमको बताएगा कि हमारा यहाँ पे बोर्ड में सप्लाई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और नाइस या जो भी आपके दिमाग में आता है उस तरह का आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।